इवेंट को हरियाणा स्वामी विवेकानंद की 155वीं जयंती के उपलक्ष्य में अपने और उनके जीवन के बारे में अपने विचार प्रकट करना उनके जीवन संबंधित बातें करना। भारत की पावन माटी हुए अनेकों स्थान एक उन्हीं में उज्ज्वल तारा हुए विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में कायस्थ परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की एक महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता है। स्वामी जी के माता पिता के अच्छे संस्कारों और अच्छी परवरिश के कारण स्वामी जी के जीवन में अच्छा आकार और एक उच्च कोटि की सोच में युवा दिनों से ही उनमें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में रुचि। वे हमेशा भगवान की तस्वीरों के सामने ध्यान लगा साधना करते। साधुओं और सन्यासियों की बातें उन्हें हमेशा ही प्रेरित करती। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क पश्चिमी जीवन और यूरोपियन इतिहास की पढ़ाई जनरल असेंबली ऑफ इंस्टीट्यूट से कर रखी। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा पास की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज में शिक्षा लेते समय वे ब्रह्म समाज की तरफ आसक्त हुए। ब्रह्म समाज के प्रभाव से मूर्ति पूजा और नास्तिकवाद के विरोध में परंतु 1882 में उनकी रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। ये घटना विवेकानंद के जीवन को पलट कर रखने वाली साबित हुई। योग साधना के मार्ग मोक्ष की प्राप्ति की जाती है ऐसा विश्वास रामकृष्ण परमहंस जी का था। उनके इस विचार ने विवेकानंद पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला और रामकृष्ण के शिष्य बने। 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी का देहांत हो गया। विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जो आज भी भारत में सफलतापूर्वक चल रहा। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर धर्म की विश्व परिषद इस परिषद में उपस्थित रहे स्वामी जी ने हिंदू धर्म का पक्ष बहुत प्रभाव से अपने भाषण की शुरुआत में मेरे अमेरिकी भाई और बहनों से करके उन्होंने अपनी बड़ी शहर में हिंदू धर्म की श्रेष्ठता और महानता दिखाई। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद दुनिया छोड़ने चले। स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास भारतीय दर्शन के विश्व अनाथ हो जाए। वे केवल संत ही नहीं एक महान देशभक्त वक्ता विचारक लेखक और मानव प्रेमी थे। स्वामी जी का अंत उनका अंत नहीं सिर्फ ये अंत था उनके देह क्योंकि उनके विचारों के प्रसार का आरंभ तो बहुत पहले ही हो चुका है जिनका आरंभ स्वामी जी के अस्तित्व को अमरता प्रदान करता। स्वामी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय व दिव्य दिवस के रूप में मनाया। संत विवेकानंद अमर अमर तुम्हारी पावन बात तुम्हें सदा ही शीश नवा भारत के प्राण। स्वामी जी महान विचारक उनके विचारों में से एक भी विचार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार उस व्यक्ति को समानता प्राप्त करने से कोई नहीं। बहुत सी प्रेरणादायक कहानियां जो उनके जीवन में घटी थी के विचारों को व्यक्त करती और हमें सीख प्रदान करती उनमें से एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक बार स्वामी जी अमेरिका में अपने अनुयायियों के साथ घूम रहे थे। वहीं स्वामी जी ने देखा कि कुछ बच्चे नदी में तैरते हाथों की छिड़कों पर बंदूक से निशाना लगा रहे तो बच्चे बार बार निशाना लगा रहे लेकिन उनका निशाना बार बार छूट रहा था। स्वामी जी ऐसा देखकर बड़े उतावले हुए और वो भी निशाना कराने के लिए चल और वो बच्चों से बंदूक लेकर सब निशाना करा। स्वामी जी ने जैसे ही पहला निशाना लगा वो ठीक जाकर निशाने पर डाला। जब स्वामी जी ने एक के बाद एक 12 निशाने लगाए और सारे निशाने सटीक करे तो बच्चों को बड़ी हैरानी हुई। स्वामी जी से बच्चों ने पूछा कि आप तो सन्यासी हैं आपको तो निशाना लगाना भी नहीं आता फिर आपने कैसे ही सारे निशाने एकदम सही लगाए। तो स्वामी जी बोले बच्चों जब भी कोई काम करो उसे पूरे ध्यान से करो। आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। जो काम कर रहे हो सिर्फ उसी में दिमाग लगाओ फिर देखना तुम दुनिया का हर लक्ष्य बड़ी आसानी से प्राप्त कर लो। हमारे भारत के बच्चों का